है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई फाइटर, ऋतिक रोशन की फाइटर, जो कि एक ऐसी मूवी थी ना जिसका क्रेज बना हुआ था, जिसका बस बना हुआ था। एंड आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार है। चलो विक्रम वेदा नहीं चली, एक रीमेक नहीं चली, चलो उसको छोड़ो यार, नहीं मज़ा आया। पब्लिक ने उसको नहीं देखा, ओरिजिनल देख लिया, चलो जो भी है ठीक है, वो फ्लोप हो गई कह सकते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फाइटर का वेट कर रहा था, एंड अब फाइटर आई थिंक रिलीज होने वाली थी 28 सितंबर को, और सितंबर में रिलीज होने वाली थी, मुझे पता है एग्जैक्टली डेट मुझे पता नहीं है क्या था, ठीक है। मुझे क्लियर कर देना, आई थिंक मुझे जहां तक याद है ना 28 सितंबर को ये क्लेश करने वाली थी सलार के साथ। हालांकि ये सलार के साथ नहीं क्लेश करने वाली थी, सलार वाले इन लोगों के साथ क्लेश करने वाले थे फाइटर के साथ, ठीक है। आई मीन प्रभास वर्सेस ऋतिक रोशन। अब यहाँ पर ऐसा सीन हुआ है ना, बहुत लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर आके बोलेंगे, कुछ लोग चिल्लाएंगे, कुछ लोग भौंकेंगे, या फिर जिस वे में भी लेना चाहो मेरे इस वर्ड्स को ले सकते हो। यहाँ पर बहुत लोग आएंगे बोलेंगे ऋतिक रोशन डर गया, बहुत लोग बोलेंगे बॉलीवुड डर गया, बहुत लोग बोलेंगे ऋतिक रोशन की औकात नहीं है, बहुत लोग बोलेंगे ऐसा है वैसा है फलाना है ढिंकाना है, ऋतिक रोशन भाग गया, एक्स वाई जेड ये जेड वो जेड, पता नहीं इसकी माँ का इसकी माँ का इसकी बी सी टी एम को सी, मतलब क्या क्या चलेगा सोशल मीडिया पर अपन को पता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं हॉनेस्टली बोलूँ, एज अ ऋतिक रोशन फैन, मैं बॉलीवुड की मूवीज़ की अगर मैं बात करूँ या फिर कोई भी सिनेमा हो, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से कि वो लोग ने अपनी मूवी को पोस्टपोन कर दिया, एंड नाउ फाइटर सलार के साथ क्लेश नहीं कर रही है। अब वो सीधा रिलीज होगी 25 जनवरी को, मीन्स कि अगले साल भी नहीं, अगले एक साल की, अगले साल मीन्स के सीधा 2024 के स्टार्टिंग में, 2024 में जनवरी में 25 जनवरी को इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, फाइटर को, ऋतिक रोशन की फाइटर को। अब ये क्लेश नहीं कर रही है प्रभास की सलार के साथ, जो कि एक फैंटास्टिक डिसीजन है, एंड मेरी नज़र में बहुत ही एक अच्छा डिसीजन मैं इसको बोलूँगा। बिकॉज मैं एक बात आपको बोलता हूँ यार, ठीक है, आप प्रभास के फैंस यहाँ पर आके कुछ लोग हैं जो कि भाई पता नहीं इनको क्या मिलता है ना, अगर आप किसी के सुपरस्टार हो या फिर आप किसी सुपरस्टार के फैन हो, आप किसी सुपरस्टार के डाई हार्ट फैन हो, तो भाई किसी और सुपरस्टार को गालियाँ देके आपको क्या मिलता है मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता है, ठीक है, मुझे समझ नहीं आता है क्या मिलता है आप लोगों को। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ऋतिक रोशन डर गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ, ऋतिक रोशन को डरने की जरूरत नहीं है, और मैं सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ, प्रभास का तारा कितना गर्दिश में आज के टाइम पे डिस टाइम चल रहा है ना, ये अपन को पता है। प्रभास की आदि पुरुष रिलीज होने को 2 महीना बाकी है, उनके बर्थडे पे सिंपल सा एक पोस्टर कार्ड के हमको दिखा रहे हैं, जैसे कि भाई 2 साल बाद मूवी आने वाला है। प्रभास का आदि पुरुष कितना पानी में है ना, ये हमको भी पता है, प्रभास के फैंस को भी पता है, ऋतिक रोशन के फैंस को भी पता है, तो यहाँ पर किसी भी सुपरस्टार को ट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। एंड एज अ इंडियन सिनेमा फैन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई भी मूवी किसी के साथ भी क्लैश करे, ठीक है। अभी आप सिंपल सा एक छोटी मूवीज का एग्जाम्पल हो, लाइक राम सेतु एंड थैंक गॉड, अब ये दोनों मूवी आपस में क्लैश कर रहा है, दोनों का कलेक्शन उठा के देखो, अगर ये दोनों मूवी सोलो रिलीज होता ना, तो भाई इनका कलेक्शन इंक्रीज होता था, इनका कलेक्शन अच्छा आता था। फॉर एग्जांपल अगर राम सेतु सिर्फ दिवाली पे रिलीज होता, तो मुझे लगता है ये ज्यादा स्क्रीन्स इसको मिलता, ज्यादा कलेक्शन लेके आता, और अभी तक इसका कलेक्शन 25% से ज्यादा हुआ होता, ठीक है। जैसे फर्स्ट डे इसने 15-16 करोड़ कमाए थे ना, ये फर्स्ट डे आराम से 20-25 करोड़ कमाता। अब यहां पर थैंक गॉड इसका स्क्रीन डिवाइड कर दिए, थैंक गॉड यहां पर इसका कलेक्शन आधा आधा कर दिए, तो ये जो चीज होती है ना भाई, ये बहुत ही गलत होती है। अब ऋतिक रोशन एंड प्रभास अगर दोनों एक साथ में आएंगे ना, तो भाई यहां पे स्क्रीन डिवाइड होगा, यहां पर कलेक्शन डिवाइड होगा, यहां पर देखो हमको तो मजे आते हैं, ठीक है, हम यहां पर वीडियो पेल रहे, ऋतिक रोशन विशिष प्रभास, प्रभास विशिष ऋतिक रोशन, फाइटर विशिष सलार, हम तो यहां पर वीडियो पेल रहे, भाई फैंस को भी मजा आएगा। बट यार एक्चुअली जो डाई हार्ट फैन होता है, जो कि समझता है कि भाई जो हमारे सुपरस्टार का मूवी रिलीज होता है ना, सोलो रिलीज का मतलब क्या होता है, सोलो रिलीज अगर रिलीज होता है ना, तो कितना उसका फायदा होता है, कितना बेनिफिट होता है, जिस जो अगर रियल फैन है ना, उसको पता चलेगा कि भाई मूवी को सोलो रिलीज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। भाई भाई जितना ज्यादा स्क्रीन मिलेगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा अपने सुपरस्टार के लिए, मूवीज के लिए, ठीक है। अगर सोलो रिलीज होगा, फैंस के पास कोई चॉइस नहीं होता है, और अगर आपका मूवी किसी के साथ क्लेश नहीं कर रहा है, तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, तो उस वे में आपकी मूवी का बजट 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का बजट है ना, तो आपकी मूवी का कंटेंट अगर अच्छा होगा ना, तो वो सोलो रिलीज में आराम से ताकत रखती है कि भाई 500 करोड़ कमा ले। यहां पर मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं कि मुझे डिसीजन काफी पसंद, हालांकि मेरे लिए कोई ये नया बात नहीं था। मैंने जब सलार का जब रिलीज डेट अनाउंस हुआ था ना, जब ये लोगों ने बोला था कि सलार फाइटर के साथ क्लेश करने वाली है, तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, अगर आपको याद हो तो, कि भाई ये फाइटर पोस्टपोन हो जाएगा, ये या तो फिर ये लोग पहले रिलीज कर देंगे फाइटर को, या फिर ये लोग बाद में रिलीज करेंगे। बट वहां पर मैंने आपको क्लियर किया था कि फाइटर किसी भी कंडीशन में सलार के साथ क्लेश नहीं करेगा, ऋतिक रोशन और प्रभास का यहां पर कोई कोई मतलब यार कोई चांस ही नहीं कि दोनों क्लेश कर जाए। भाई दो इंडिया के इतने बड़े
सुपरस्टार आपस में क्लेश कर ही नहीं सकते, और अगर करेंगे ना तो भाई मैं मेकर्स को सबसे बड़ा चूतिया मानूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पर दो बड़े सुपरस्टार अगर एक साथ में मूवी लेके आ जाएंगे ना, का तो एक मूवी बहुत चल जाएगा या फिर एक मूवी बहुत बड़ा फ्लॉप हो जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है फाइटर के लिए, एंड अब ये अब पोस्टपोन हो चुका है, एंड ये अभी सीधा आपको 2024 की 25 जनवरी को देखने को मिलेगा, जो कि एक फैंटास्टिक डिसीजन है। एंड आप क्या बोलोगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।